हेलो कह दे। नहीं ना करो। हेलो, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो गए अपने घर में। हम लोग जा रहे हैं फार्मा से मेडिसिन लेने, बिकॉज मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए। हम लोग के पास यहाँ पे छोटे छोटे सारे सेक्शन हैं, मेंस का सेक्शन, ट्रैवल पैक्स। आई लाइक फार्मेसी बिकॉज हमको यहाँ पे ज़्यादा चूज नहीं करना पड़ता। एंड दिस इज फॉर ब्यूटी सेक्शन, ऑल टाइप्स ऑफ फेस वॉशेस। ये एक फार्मेसी है। अगर जब आपके फैमिली डॉक्टर आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करती हैं तो आपका जो फैक्स है वो आपका सीधा फार्मेसी आता है, और फार्मेसी में आने के बाद आप यहाँ से अपना ले सकते हो। तो मैं अपनी मेडिसिन लेने आई हूँ, ओवर द काउंटर मेडिसिन, बिकॉज जस्ट अ नॉर्मल एलर्जी मेडिसिन है, क्योंकि मैं इंडिया वाली मेडिसिन लेती हूँ। चलो चलते हैं आप घर, आज बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए, काम से सीधा गए फार्मेसी, फार्मेसी में ली मेडिसिन, अब चलते हैं सीधा घर। आज मॉर्निंग से मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, जब यहाँ से गई थी काम पे तो वो भी बिजी थी, मतलब लेट हो रही थी तो इसी वजह से, और जब वहाँ पे गई तो इतनी ज़्यादा बिजी थी मैं। आपको छोटे छोटे टाउन होंगे ना, वहाँ पे भी आपको फार्मासिस्ट इजीली अवेलेबल हो जाएगा। ओवर द काउंटर मेडिसिन में तो ज़्यादा कुछ होता नहीं है यहाँ पे कनाडा में। टायलेनॉल और एडविल, ये तो दो मेडिसिन आती हैं जो बस डिफरेंट काइंड ऑफ हार्ड एक्स और फीवर, मतलब जो भी आपको प्रॉब्लम है ना, जो भी आपकी तबीयत खराब है वो उसके सारा डील कर लेती है। बट मैं तो इंडिया वाली मेडिसिन लेती हूँ, तो मुझे चाहिए थे एलर्जी की मेडिसिन, वो सिर्फ फार्मासी की अपनी मेडिसिन आती है जिससे मुझे थोड़ा सा बेटर फील होता है, मैं वो लेने गई हुई थी। तो मुझे फार्मासी थोड़ा सा अच्छा इसलिए भी लगता है बिकॉज ना मैं पे छोटे छोटे सारे सेक्शन बनाए हुए, ब्यूटी के और मेंस के, टॉयज़ के, गिफ्ट सेक्शन के, और वो इजीली अवेलेबल भी हो जाता है बिकॉज बहुत सारे ऐसे वॉलमार्ट की तरह बहुत सारे ऑप्शन नहीं है, उनके पास स्टफ भी नहीं है। अ रिटेल स्टोर, रिटेल डिपार्टमेंटल स्टोर उस तरह का स्टोर है ना, तो उसमें उनके पास ज़्यादा बल्क में स्टोर्स वो प्रोडक्ट्स हैं नहीं, तो बल्क में ना होने की वजह से आपको ज़्यादा सर्च नहीं करना पड़ता। और मैं जैसे मैं हूँ, मुझे एक एक आइटम को सर्च करने के लिए बहुत ज़्यादा ऐसे मेहनत करने बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं चाहती हूँ मैं जाऊँ क्योंकि मेरे जो प्रोडक्ट्स हैं या जो मेडिसिन है वो जब सब कुछ मेरा फिक्स है, मैं कुछ भी चेंज नहीं करती हूँ, तो बस मैं जाऊँ और मैं वो बाय करके आ जाऊँ बस। मेरा मुझे अगर बाई चांस वॉलमार्ट वगैरह से अपना कुछ पर्सनल स्टफ, स्किन केयर वगैरह कुछ लेना होता है ना, तो मुझे उसमें पूरा ढूंढना पड़ता है। तो इसलिए मुझे फार्मासिस्ट अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स और मेडिसिन वगैरह के लिए अच्छा लगता है, इसलिए मैं फार्मासिस्ट जाती हूँ। तो मिलती हूँ शावर लेने के बाद और लंच करने के बाद। बाय। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। इन्हें बड़े नहीं हुए हो आपके, अभी नेल पेन लगाओगे, सारा कुछ कॉपी करना है अपने मम्मा का। लग गया अभी तो देखिए, वन पे लग गया, यहाँ पे वन पे भी लग गया, टू जाएगी। अच्छा कहाँ पे लगाई आपने नेल पेंट? नेल पेंट कहाँ पे लगाई है? जेवली लगानी है। इतना पर ही तू जेगी यार, रख दे हुई तू जी तू जेगी। क्या कर रहे हो आप? स्टडी कर रहे हो? एनिमल्स एनिमल्स बता दो कौन से हैं? ये तो बियर आया। ओ मेरा बेटा भला हो गया, अब तो स्टडी कर रहा है। हाँ जी मम्मा को बता दे टाइगर कहाँ पे है, फटाफट टाइगर कहाँ है? ये इधर फर्स्ट पेज, फर्स्ट फर्स्ट करो फर्स्ट। ये आ गया टाइगर। ओए क्या शिकायत था टाइगर? ये ना सांता क्लॉज कहाँ है? सांता क्लॉज क्या ना, आप ये गिफ्ट रैप क्या कर रहे हो? हाय हाय चिक्के माले चिक्के माले चिक्के माले। अच्छा 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 नहीं क्या ना, नो बाइट नहीं करनी, गुड गर्ल बनते हैं। बाइट किया
जाना। माँ जो अपने शादी बुक पर देनी है आज ही कह रही है आपको दिखा रही है। ये कौन सी बुक लेके आया है बेटा? एनिमल्स की। अच्छा क्या ना अभी सीधे मुंह जाती नीचे क्या टाइगर टाइगर कैसे करता है? नो बुक पे नहीं चलना हम लोग ब्लॉग देख रहे हैं अपना ही ब्लॉग देख रहे हैं क्या ना बात जाके दो इसमें कहाँ रखा हुआ है आपने आज अब दिखा दो सबको। ये देखो ये कहाँ पर है इसमें गुंदू का सामान। हाँ जी कहाँ लेना अब कहाँ लेना कहाँ लेना। अच्छा दे रही हूँ यहाँ पे हमारा सारा सामान पड़ा था। ये मेरा बॉक्स था फर्स्ट एड बॉक्स इसके यहाँ पे अब हाथ चला जाता। पहले छोटी थी तो इसमें मैं रख देती थी अब ये मैंने पूरा खाली रखा हुआ है बिकॉज इसमें अपने टॉयज फिल कर दिया। अब मैंने सारी जगह चेंज किया जहां जहां पे इसके हाथ चला जाता है। बाबा मामू को बाबू अच्छा ठीक है ओके। ज्ञाना कहाँ छुपी है इसको हम ढूंढेंगे। हाँ जी इसे पीछे आओ कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया ये नाराज हो गया कह रहा मम्मा मेरे साथ और प्ले करो बट मैं थक गया हूँ। A few moments later मारी हो रही है पूजा। कौन सी पूजा? धनतेरस की। मैं पता कितना डिफिकल्ट टास्क कर रहा हूँ। डिफिकल्ट दिए से दिया चला रहे हूँ। तेल वाला नहीं है ना यार जो यहाँ मिलेगा हम तो अच्छा लम करते रहे। धनतेरस है ना आज पांच दिए जलाने मंदिर में रख दो उसी उस फ्लोटिंग वाले जो कैंडल का रैक है ना उसके अंदर आराम से रख दो बस। दिया थोड़ी आ जाएगा उसमें ये तो डूब जाएगा दिए के बाहर से। उसके नीचे ना स्टैंड बना हुआ है देखा नहीं होगा वो ना बीच में वो बना हुआ है उसकी कोई टेंशन नहीं। हाँ बेटू एक आपने भी देखना आ जाओ। हाँ एक साइड एक उधर रख दो बस इधर रिंग नहीं है इधर गुलाब है
ये रिंग में कर दो ना, ये वाला हाँ इधर कर दो। चलो तब ये स्टैंड ठीक है अपना। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम कर दे, जय श्री श्याम, जय गुरु जी कर दे। नोज में क्या हो गया? राधे 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 राधे, क्लैपिंग 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 क्लैपिंग। गुड, हैप्पी दिवाली कर दे सबको। हैप्पी दिवाली, क्या हैप्पी चौथी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। हम सब की तरफ से आप सबको हैप्पी दिवाली, याना हैप्पी दिवाली, जय जय वाओ, जय। आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं कल न्यू व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। हैप्पी दिवाली, बाय।